युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीधी में हुए आदिवासी मामले पर विरोध जताते हुए भोपाल के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, विगत 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी क्या क्या बोल के आई, जुमले ही जुमले, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, जब तीनों में विफल हो गए। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि आदिवासी दलितों पे मध्य प्रदेश नंबर वन है। आज बिहार और उत्तर प्रदेश को पछाड़ते हुए मध्य प्रदेश प्रथम आ चुका है और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सीधी के अंदर विधायक जिनका नाम है केदारनाथ शुक्ला, उनके विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने क्या किया, क्या कृत्य किया एक आदिवासी के ऊपर, किस प्रकार से जो आपने देखा है, मैं बोलते हुए भी शर्मसार हो रहा हूँ। ये जो घटना हुई है इसका पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में रोष है। हम सबने विगत दिनों में देखा है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो गूंगे बहरों की सरकार है, एक ऐसी सरकार चल रही है जो आदिवासियों का हनन करना चाहती है, जो पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हनन करना चाह रही है और लगातार प्रदेश भर में आए दिन नए नए मामले सामने आते हैं। विगत दिनों हमने अभी देखा सीधी जिले में एक भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा जिस प्रकार की करतूत की जा रही है एक आदिवासी भाई के साथ, वो शर्मसार करने वाली घटना है। वो ऐसी घटना है जिसको देख के आप मेरा किसी का भी खून खोल उठेगा कि ऐसी भी मानवता होती है क्या। और ये सारे के सारे गुंडे, ये भाजपा के पाले हुए गुंडे, भाजपा के नेताओं के पाले हुए गुंडे हैं जो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में